इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, यानी एचएएल शेयर के बारे में, जहाँ पे शेयर अभी के टाइम में आपको ट्रेड करता हुआ वहाँ पर नजर आएगा तो 4745 का प्राइस पे आपको शेयर अभी के टाइम में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और आज के दिन 7 जून को अगर हम बात करेंगे तो शेयर में 1.68% की तेज़ी हमें नज़र आया है। और अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि आपको पता है कि गिरावट जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिला था, अब गिरावट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने 5000 के ऊपर प्राइस पे बाई किया होगा, 4748 के प्राइस पे बाई किया होगा। तो जिस टाइम पे ये 4000 के भी नीचे के प्राइस पे गया हुआ था उस दिन अगर हम बात करें यहाँ पे 4 जून को, उसके बाद भी यहाँ पे कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग, मतलब कह सकते हो यहाँ पे डर भी गए होंगे जहाँ तक अगर देखा जाए यहाँ पे, जो लोग 5000 से ऊपर बाई किए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे लॉस भी बुक कर लिया होगा उस टाइम पे। अगर आपने लॉस बुक किया है तो फिर आप नीचे कमेंट में बता सकते हो हाँ या फिर ना। अब बात करें यहाँ पे गिरावट के बारे में, तो देखिए मेन चीज़ यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि वैसे वैसे अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है तो क्या आपको निकलना चाहिए फिर नहीं, तो सिर्फ उसका एक ही जवाब मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, अब कंपनी के अंदर कोई इंटरनल मामला निकल गया है उसके चलते अगर गिरावट आपको देखने में मिले तो वहाँ पे सोचने वाली बात होती है, चलो कंपनी कमजोर है या फिर कह लो कंपनी के अंदर कोई मामला हमें देखने में मिल रहा है जिसकी वजह से गिरावट हुआ है। बट यहाँ पे हमें गिरावट किस चीज़ को लेकर देखने को मिला था, तो वो इलेक्शन को लेकर और भी यहाँ पे कुछ वजह निकल के आया जिसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिला। अब देखिए मेन बात यहाँ पे है कि कोई इंटरनल मामला नहीं था किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो पीएसयू सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर कोई यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे स्टॉक है, या फिर बहुत मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक आपको रेड रेड ही नजर आया होगा 4 जून को अगर हम बात करेंगे। और एकदम से कह सकते हो कोई कोई स्टॉक तो 25% 20% का लोअर सर्किट में भी चला गया था, फिर बाद में रिकवरी करते हुए हमें नजर आया। तो मेन बात यहाँ पे यह है कि कह सकते हो कि कोई इंटरनल अगर मामला आपको देखने को मिलता है किसी स्टॉक के अंदर तो आप सोच रहे हो निकलने के, तो वो अलग की बात है और चलो ठीक है उस बात को लिया जाए। बाकी अगर हम बात करें कोई एक्सटर्नल कोई मामला है दोस्तों, कह सकते हो कोई कंपनी के अंदर मामला नहीं है। देखिए मार्केट के फ्लो में पूरा स्टॉक बहते हुए हमें नजर आया था उस दिन 4 जून को, जिसकी वजह से जो गिरावट हमें दिखने में मिला था तो उस गिरावट में मैं खुद ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ था और मैं खुद नहीं डरा था उस गिरावट में, और मैंने कोई पोजिशन उस दिन एग्जिट यहाँ पे नहीं किया हुआ था देखा जाता है यहाँ पे। और फिलहाल अभी के टाइम में देखेंगे कि सभी स्टॉक आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रिकवरी देते हुए नजर आ रहा है, और लगभग लगभग अगर देखा जाए तो रिकवरी हमें जितना गिरावट देखने में मिला था कह सकते हो कि उतना लगभग रिकवरी भी काफ़ी सारे स्टॉक में उससे ऊपर ही रिकवरी हमें देखने में मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आज को कारोबार के बारे में अगर हम बात करेंगे कि आज का कारोबार क्या रहा, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहे हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। 1.68% की तेज़ी हमें नजर आया मार्केट क्लोज होने के बाद भी, 41 क्वांटिटी बाई साइड में हम ऑर्डर पर लगा हुआ अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। 29.54% का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला है, 29.54% में परसेंट डिलीवरी वाल क्वांटिटी हमें यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब इतना डिलीवरी माल उठाया गया है आज के दिन अगर हम बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो अगर आपका मन हो तो, अदरवाइज देखते हैं आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मिल रहा है हमें उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि टुडे का वॉल्यूम 47 लाख का, यस्टरडे का 47 लाख का वॉल्यूम, 14 लाख का डिलीवरी उठाया गया, और 1 वीक के एवरेज में 1 करोड़ के वॉल्यूम में 33 लाख का डिलीवरी उठाया गया, और 1 मंथ के एवरेज में 57 लाख के वॉल्यूम में 18 लाख का डिलीवरी उठाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं भाई, 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाई एचयूएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बाकी आपका ओपिनियन क्या है शेयर को लेकर प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, पिछले कुछ दिन के परफॉर्मेंस के बारे में आपको दिखा, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 को तेजी, 6 को तेजी रहा 6% से भी ऊपर का 7% के आसपास, उसके पहले 5 को भी तेजी रहा, उसके पहले एक दिन आप देखेंगे 4 को यानी 4 जून को अगर हम बात करेंगे तो एक यही स्टॉक में नहीं है, कहीं शेयर में नहीं, मार्केट में बहुत सारे शेयर में हमें काफ़ी बड़ा गिरावट कह सकते हो देखने को मिला, और इसमें भी 17% से भी ऊपर का गिरावट, ये गिरावट 20% से भी ऊपर का था, आई थिंक ये लोअर सर्किट भी यहाँ पे लगा हुआ था 25% का अगर मैं सही हूँ तो, और उसके बाद से रिकवरी थोड़ा हुआ और 17.83% के गिरावट में क्लोजिंग देखने को मिला हमें, मतलब 17% से भी काफ़ी ऊपर का गिरावट में क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला शेयर में 4 जून को।
आप उस दिन भी अगर आपने लॉस बुक किया है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी हम बात कर लेते हैं हम लेवल्स के बारे में, लेवल्स क्या बन रहा है। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए मेन बात यहाँ पे ये निकल गया था कि कंपनी अगर काम अच्छा कर रहा है, देखिए यहाँ पे कंपनी काम क्या कर रहा है, कंपनी अगर काम अच्छा कर रहा है तो कह सकते हो आने वाले टाइम में ग्रोथ हमें दिखता है। अब देखिए मेन बात यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ कि कोई भी कंपनी हो अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी अगर अपना क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कह सकते हो यहाँ पे अच्छा रिपोर्ट नहीं कर रहा है, हर क्वार्टर में या फिर कह सकते हो हर ईयर में, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि शेयर में हमें काफ़ी बड़ा गिरावट देखने मिलता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूँ एक, तो राजेश एक्सपोर्ट शेयर को भी आप देख सकते हो, जोमेटो, पेटीएम, जिस टाइम पे जोमेटो लगातार अपना क्वार्टर परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन जा रहा था, जिस टाइम पे उस टाइम पे कह सकते हो लगातार शेयर में गिरावट हमें देखने मिल रहा था, अपने लिस्टेड प्राइस से काफ़ी नीचे चला गया था। और जब धीरे धीरे कह सकते हो सब चीज़ हमें क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को लगा कंपनी का, तो कह सकते हो कि एक एक करके सारा हमें रिकवरी होते देखने को मिला। और रिकवरी क्या, लिस्टेड प्राइस से भी ऊपर का प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको जोमेटो के टाइम में। और वही चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो कह सकते हो कि कंपनी अगर काम अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा देखिए कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट होगा कंपनी को नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा टाइम आपका पैसा काफ़ी अच्छा बना सकता है। अदरवाइज अब देखिए आपके ऊपर आपको क्या करना है, देख लेते हैं लेवल्स के बारे में, लेवल्स क्या बन रहा है, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहला लेवल के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाए तो किस लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो, सबसे पहले कुछ इस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो 4731 का लेवल, इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कुछ इतने का लेवल है 4708 के आसपास, इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो लास्ट में कुछ इस लेवल पर भी आप ध्यान दे सकते हो जो कि है आप ढेंगे यहाँ पे 4684 का लेवल। तो ये कुछ थ्री लेवल है जो कि छोटे छोटे लेवल्स हैं जो कि आने वाले ट्रेडिंग सीजन में ध्यान दीजिएगा। और बड़ा गिरावट अगर आपको देखने को मिलता है तो ये लेवल भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो 4625 के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपसाइड के लिए, यानी अगर आपको तेज़ी दिखने को मिलता है तो किस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए अगर आपको तेज़ी दिखने को मिलता है तो कुछ इतना का लेवल रहेगा 4755 के आसपास, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड में कुछ यहाँ पे 4788 आप देखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में रेसिस्टेंस लेवल तो ऊपर के टाइम में मतलब कह सकते हो काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पे 4900 के आसपास, 4926 के आसपास भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये कुछ तीन चार लेवल डाउन साइड के लिए है और ये कुछ तीन लेवल अपसाइड के लिए है जो कि अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है डाउन साइड में, तेजी देखने को मिलता है अपसाइड में, ध्यान दे सकते हो एच एल शेयर में। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।